Hi all, welcome back to Hayes Technical Solution. I'm Amarjeet here after a long time due to some personal reason. First of all, I would like to thanks to all my viewers, subscribers for your love and support. So I hope आप सब ठीक होंगे. तो यहाँ पे हम आज जो डिस्कस करेंगे वो आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे टास्क बार के ऊपर जो न्यूज़ का जो है नोटिफिकेशन आता है. जैसे यहाँ पे है, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे टास्क बार के एक यहाँ पे वेदर टेम्परेचर उसका यहाँ पे एक आइकन बन के आता है प्लस टैग्स के साथ. तो ये क्या होता है, ये आपके जो न्यूज़ है जहाँ आपके जो भी आपके ब्राउज़र के अंदर आप ब्राउज करते हैं तो उसका इंटरेस्ट होता है. जैसे आप कोई भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आप मैनेज भी कर सकते हैं. आप स्पोर्ट्स का लेना चाहते हैं या न्यूज़ देख के नोट्स देखना चाहते हैं, जस्ट लाइफस्टाइल के बारे में, सिनेमा के बारे में या गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके जो नोटिस है वो शो करते रहते हैं. तो ये एक जैसे आप कोई ऑफिशियली वर्क करते हैं तो उसमें हमें क्या है, इसके डिस्टर्बेंस भी होती है तो हम इससे इरिटेट भी हो जाते हैं. तो इसको एक आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी को लेके है कि हम इसको हाउ टू डीएक्टिवेट दिस नोटिफिकेशंस. तो हम इसको जो है डीएक्टिवेट या डिसेबल्स भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा ये यहाँ से जो नोटिफिकेशन है बार बार वो आपके जो डेस्कटॉप पे है डिस्प्ले ना हो. तो इसको आपने कैसे डिसेबल करना है वही आज का हमारा टॉपिक है. तो दोस्तों, इसको आपने डिसेबल करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो टास्क बार है उस पर आपने राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट मिलेगा न्यूज़ एंड इंटरेस्ट. तो आप इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये साइन टिक किया हुआ है शो आइकन्स विद टेक्स्ट. तो शो आइकन विद टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जैसे ये इसका आइकन भी है, ये इसका टेक्स्ट भी है. तो हम राइट क्लिक करेंगे अगर तो आप रखना चाहते हैं इंटरेस्टेड है सिर्फ यहाँ से आइकन ही आपको शो करे जो टेम्परेचर है या टेक्स्ट है वो ना शो करे तो आप यहाँ पे शो आइकन्स ऑनली भी कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो आपका यहाँ से नीचे आइकन है वो ऑनली आइकन दिखेगा और जो टेक्स्ट है साथ में वो नहीं दिखेगा. तो ये एक ऑप्शन हो गया. सेकेंड ऑप्शन होती है हम इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं या जहाँ से बिल्कुल डीएक्टिवेट या डिसेबल कर सकते हैं ताकि जो हमारा जो वर्क है उसमें कोई हमें डिस्टर्बेंस ना हो और जो आपके जो न्यूज़ के नोटिफिकेशन है वो बार बार डेस्कटॉप पे डिस्प्ले ना हो. तो उसको डीएक्टिवेट या डिसेबल करने के लिए यहाँ से टर्न ऑफ की ऑप्शन है तो हम यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा जो यहाँ का नोटिफिकेशन बार है जो हमारे न्यूज़ के नोटिफिकेशन बार है वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा और अब जो डेस्कटॉप पे बार बार फ्लैश या नोटिफिकेशन शो करता है वो अब नहीं करेगा. तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था. तो जो मैंने फील किया कि जैसे ऑफिस वर्क में आप कोई काम कर रहे होते हो तो बीच में जैसे कर्सर इस पे ऊपर जाता है तो वो आपका क्या है न्यूज़ के नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो काम का है इंटरेस्ट है जहाँ इंट्रेक्शन है वो डिस्टर्ब होता है. सो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं. आई होप कि ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल भी होगा. तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. एंड दोस्तों, आई नीड योर सपोर्ट टू अचीव माई 1000 सब्सक्राइबर्स. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स. Thanks to all. तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा